को मिले हैं, हमने दर्शकों से बात की तो काफी उत्साहित हैं दर्शक। तो इस बार और कुछ क्या नया कुछ करने वाले हैं? अब की बार नगर परिषद लाहौर जो बनी है वो पहले तो डॉक्टर गोविंद सिंह के मार्गदर्शन में इस नगर परिषद का गठन हुआ है और उनके ही नेतृत्व में, उनके ही मार्गदर्शन में ये नगर परिषद काम कर रही है। हमारे नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं छक्कूलाल जी वर्मा, उनकी नेतृत्व में पूरी नगर परिषद लाहौर काम करने में लगी हुई है और अभी तक विकास कार्यों के अलावा जितने भी विकास कार्य हुए हैं, अभी तत्काल में सबसे बड़ा काम जो होने जा रहा है वो स्विमिंग पूल का है। 5,40,00,000 की लागत का एस्टीमेट बनके तैयार हुआ है और शीघ्र ही ये काम जो है अपने डॉक्टर गोविंद सिंह जी के प्रयास से इस काम कराने में लाहौर नगर परिषद सफल होगी। इसके अलावा हर साल मेला को भव्य रूप देने के लिए ऐसा कोई भी वर्ष नहीं गया जिस वर्ष में डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने इस मेले में कोई ना कोई विशेष योग देखे और मेला को विकसित करने का काम न किया हो। जब से 4 बार नगर पालिका मेला ये परिषद लगा चुकी है, हर बार कुछ न कुछ उनके सहयोग से मेला में और नगर के विकास में हर प्रकार से कुछ न कुछ विकास होता रहा है। अब की बार उनके ही प्रयास से, क्योंकि अब की बार मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी है, पहली बार नगर परिषद लाहौर को कांग्रेस पार्टी की सरकार मिली है और उस पार्टी की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है उसकी ये देन है कि शासन की ओर से लखवीर सिंह लखा जैसा कार्यक्रम इस छोटी लाहौर जैसी जगह में संपन्न होने जा रहा है 12 तारीख को। इसके अलावा डॉक्टर कुमार विश्वास जो विश्व विख्यात कवि हैं, जिनको लाहौर जैसी जगह में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे महान कवि का कार्यक्रम लाहौर जैसी जगह में संपन्न होगा, डॉक्टर साहब के प्रयास से, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के प्रयास से लाहौर जैसी जगह में डॉक्टर कुमार विश्वास अपने कविता पाठ के लिए कविता तिवारी और तेज नारायण मिश्रा के साथ पधार रहे हैं 17 तारीख को। 17 तारीख को ही मेले का समापन नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी के द्वारा डॉक्टर गोविंद सिंह जी की उपस्थिति में समापन समारोह होगा, उसके बाद ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। देखा जाए तो 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख में क्या कार्यक्रम आपको? 11 तारीख को अल्ताफ राजा का जो कव्वाली का कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है और उसके बाद 12 को लखवीर सिंह लखा का कार्यक्रम है और 14 तारीख को संतोष तिवारी का लोकगीत गायन है। तो इस प्रकार से आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, साथ ही विकास की भी बात आपने की है। आप पिछली बार भी लाहौर नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत कम समय रह गया है, तो क्या लग रहा है इस बार आप? समय भले ही कम रह गया हो लेकिन नगर परिषद लाहौर को और नगर के वासियों को अगले 5 साल पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार का लाभ मिलेगा। नगर परिषद लाहौर डॉक्टर गोविंद सिंह के ही नेतृत्व में गठित होगी और निश्चित रूप से चाहे किसी कोई भी अध्यक्ष बने चाहे कोई उपाध्यक्ष बने, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में इस परिषद का गठन होगा और उन्हीं के हिसाब से इस परिषद का काम चलेगा। निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश की 4-5 साल सरकार चल रहा है उसका पूरा लाभ लाहौर के नगरवासियों को मिलेगा। आपने अपने दिल में झांक के देखा जाए तो आपने किस प्रकार का आकलन किया है लाहौर नगर की जनता के विकास को देखते हुए? लाहौर नगर की जनता के विकास को देखते हुए जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी का प्रयास है और डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो लाहौर नगर के लिए सोचा है, अब वो मौका आ गया तो लाहौर की जनता इस बात को जानती है, इस मौके को वो नहीं खोएगी। जो भी चुनाव होगा डॉक्टर गोविंद सिंह के ही उम्मीदवार जीतेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में नगर परिषद काम करेगी। विकास की रफ्तार को देखा जाए तो आपका जो समय बचा है तो आप कोई काम ऐसा रह गया है जो आप करने वाले हो अरे विकास की रफ्तार हम तो कह रहे हैं विकास तो अभी आपके मान के चलो अगले 5 साल तक होना है इस लाहौर का, परिषद डॉक्टर गोविंद सिंह की ही रहेगी भले ही चुनाव हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे लाहौर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष एडवोकेट नरेश सिंह चौहान, उन्होंने कहा विकास की रफ्तार तेज होगी क्योंकि हमारी सरकार है और हम अगले जो हमारे जो 5 साल है निश्चित रूप से लाहौर नगर के विकास में ये 5 सालों के साथ एक नया इतिहास लाहौर नगर पंचायत रचने जा रही है मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान की तमाम हस्तियों को मेले में उतारा जा रहा है। 11 तारीख को अल्ताफ राजा आएंगे, 12 तारीख को लखवीर सिंह लखा आएंगे और 14 तारीख को लोकगीत का कार्यक्रम हो और 17 तारीख को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सुनना ना भूलें, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर कुमार विश्वास की गौरवमय उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। और हमारे आपके जन अदालत न्यूज़ को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार जुड़े रहिए। फेसबुक पेज पर यदि आप देखना चाहें तो आपकी अदालत पर
फेसबुक पेज को लाइक करें, हम लगातार सीधा लाइव कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे।